उत्पत्ति अध्याय तीन। उत्पत्ति अध्याय तीन। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सबकी आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था।
इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करूब और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया।